हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज जानेंगे पैरासीटामोल के बारे में। पैरासीटामोल क्यों लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और फीवर के लिए ही क्यों स्पेशल लेना चाहिए, और चीज़ में यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है। डॉक्टर तो हर तरह की चीज़ में आपको पैरासीटामोल लिख देते हैं और आप कई बार नहीं समझ के नहीं भी खाते हैं तो बीमारी ठीक नहीं होती है, सिम्टम्स कम नहीं होता है। तो चलिए आज पैरासीटामोल के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, जो चीज़ नहीं पता है और वो चीज़ आज जानेंगे आप। पैरासीटामोल ज़्यादा खाने से या पैरासीटामोल का अननेसेसरी यूज करने से लीवर डैमेज होता है, इसके बारे में भी आज जानेंगे। पैरासीटामोल एसिटामिनोफेन, इसका जेनरिक नेम है एसिटामिनोफेन। पैरासीटामोल का जो मोड ऑफ एक्शन है, काम करने का तरीका हमारे शरीर में, पैरासीटामोल यह एक साइक्लो ऑक्सीजेनस की पथवे को, एक रास्ता को रोकता है, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस सेंटर में प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं हो पाता है और पेन, फीवर, इन्फ्लामेशन कम हो जाता है हमारे शरीर की। जो दिमाग, ब्रेन में हमारे जो है हाइपोथैलेमस सेंटर है, टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, वहाँ पे इस तरह से काम करता है पैरासीटामोल। साथ ही सबक्यूटानस वैसोडायलेटेशन करता है, जिसकी वजह से स्वेटिंग आती है और टेम्परेचर फीवर कम हो जाता है, पेन फीवर कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी ऐसे पैरासीटामोल काम करते हैं। अब यूज इंडिकेशन कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, सबको पता है फीवर के लिए काम करता है पैरासीटामोल, और दो एक्शन के बारे में रेयरली पता है लोग। तो आज पूरी जानकारी आपको मिलेगा। एक एमबीबीएस डॉक्टर की तरह आप इलाज कर सकते हो हमारे चैनल के वीडियो देख के, और अच्छा लगे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें। मोटिवेशन करके आप लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में। दोस्तों, एंटीपायरेटिक फीवर उतारने के लिए आप दे सकते हो, एनाल्जेसिक दर्द कम करने दे सकते हो। ये बहुत सेफ पार्ट है पैरासीटामोल का, जो गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं करता है। आप खाली पेट भी ले सकते हो पेन किलर के तौर पर। एंटी इन्फ्लामेटरी, वायरल में एंटी इन्फ्लामेटरी ही कम करनी होती है, इन्फ्लामेशन को ही कम करना होता है, और ये पैरासीटामोल बखूबी अपना जिम्मेदारी पूरा करता है। हेडेक कम करने के लिए दे सकते हो, बॉडी एक कम करने के लिए दे सकते हो, सर दर्द और सिर दर्द में भी दे सकते हो, दांत के दर्द में दे सकते हो, मसूड़ के दर्द में दे सकते हो, टूथेक और बैकेक जो है कमर दर्द में दे सकते हो, ज्वाइंट पेन में भी दे सकते हो आप, ये जो है यहाँ की ज्वाइंट में दे सकते हो, ज्वाइंट पेन में जो है, माइलजिया मसल्स पेन में दे सकते हो, फ्रैक्चर में दे सकते हो आप, हड्डी टूटने में, स्प्रेन और स्ट्रेन दोनों कंडीशन में दे सकते हो आप, पैरों के मोच में दे सकते हो, डिसमेनोरिया और पोस्ट ऑफ सर्जरी। डिसमेनोरिया जो है लेडीजों में महीनावारी होता है उसमें दे सकते हो आप, एज एन एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी और थ्रोट पेन एंड स्वेलिंग में भी दे सकते हो। भारत में गले में दर्द होते गए पैरासीटामोल आप ले सकते हैं। अब प्रिपरेशन किस तरह के फॉर्म में तैयारी में आता है पैरासीटामोल, सबको पता है पैरासीटामोल टैबलेट फॉर्म में 500 और जो है ज़्यादा वेट के लोगों के लिए जो है 650 में आता है। ड्रॉप और सिरप जो है सपोजिटरी भी आते हैं, छोटे बच्चे में, बड़ों को भी है, उल्टी ज़्यादा आने वाले को पैरासीटामोल सपोजिटरी लेकिन रास्ते में लगाते हैं बत्ती। इंजेक्शन 2 ml के आती हैं, IM लगाना होता है, और 100 ml का इन्फ्यूजन आते हैं जो कि हॉस्पिटलाइजेशन कंडीशन में दे सकते हो, वो आपको आधा से पौने घंटे में देना होता है। और डोज जो है हमारा क्या है, लोकल एप्लीकेशन जहाँ लगाने हैं लेटिन रास्ते में वो सपोजिटरी कहलाते हैं, और वो आते हैं 80 mg का नियोमोल के नाम से आते हैं, जो है 120 mg का आता है और 250 mg का आता है। आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से मरीजों को दे सकते हैं या अपने घर परिवार में दे सकते हैं, अपनों को मदद कर सकते हैं। टैबलेट 500-650 mg का आता है, और ड्रॉप सिरप सस्पेंशन सपोजिटरी ड्रॉप आता है 15 ml की, और सिरप आता है 50 ml की, सस्पेंशन 50 ml का आता है, और सपोजिटरी तो पता ही आपको हमने बता दिया। इंजेक्शन 2 ml का आता है और 100 ml का आता है। अब नियम डॉक्टर, छोटे बच्चों में आप डोज किस तरह मैनेज करेंगे, 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप ड्रॉप दे सकते हो, सिरप दे सकते हो, और चिल्ड्रन 3 महीने से ऊपर का है तो 10-15 mg के पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 3 equal divide डोज में आपको देना होता है। अगर मान लो किसी का 3 kg वेट है तो 10 या 30 हो गया, आप उसी हिसाब से ड्रॉप मैनेज कर सकते हो। अब साइड इफेक्ट क्या है पैरासीटामोल का, स्किन रैशेस खुजली होती है कई बार, और टीका ज़्यादातर दम खुजली हो जाता है, दाने दाने आ जाते हैं, पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट है, किसी को है तो दवा ना लें। कंट्राइंडिकेशन आप किसको नहीं दे सकते हो, मैंने पहले बताया था कि लीवर डिजीज वाले को नहीं दे सकते, एकदम जहर होता है उसके लिए, और रेनल फेलियर गुर्दा फेल है उसको, तो
तो उसको भी नहीं दे सकते क्रोनिक पेशेंट को। हेपेटाइटिस लीवर की डिजीज है, उसको आप नहीं दे सकते। अब सेफ्टी प्रोफाइल में आप किस किस को दे सकते हो, प्रेगनेंसी में दे सकते हो आप, प्रेगनेंसी में कई सारे पेन किलर नहीं यूज कर सकते तो हम पैरासीटामोल से ही पेन रिलीफ करते हैं। नियमित वाले